उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री जयप्रकाश यादव जी, उदय नारायण चौधरी साहब जी, कुलेश्वर मंडल जी, देवती नंदन सिंह जी, राम मोहन जी, सुरेंद्र यादव जी, गौतम सिंह जी, धर्मेश्वर जी, विजय सिंह जी, अंबिका वर्मा जी, मुकेश जी, रंजीत यादव जी, श्याम अंसारी साहब जी, रवीन शर्मा जी, एक फ्रेम पकड़े रहो बाबू, त्रिवेंद्र यादव जी, शिवनाथ जी और पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ हमारे बुजुर्ग अभिभावक यहाँ उपस्थित है, सभी लोगों का प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ जितने यहाँ नौजवान युवा साथी हैं, सभी लोगों का इस चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं। देखिए, उपचुनाव होने जा रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। सब लोग आएगा, वोट मांगेगा, अपनी बात करेगा और आप लोग जो है लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक है और जो मालिक तय करेगा, जो मालिक फैसला करेगा वही यहां से चुनाव जीत के जाएगा। ये अलग बात है कि पिछला बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ 2020 में नवंबर के, जनता का जनादेश महागठबंधन के साथ था लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। जब गिनती 2020 में 10 नवंबर को हो रही थी तो 4 बजे तक हम लोग चुनाव जीत गए थे, हम लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन 4 बजे के बाद जो है काउंटिंग को रोका गया और रात के 12-2 बजे फैसला ये दिया गया कि एनडीए की जीत हुई। बेमानी हुई नहीं हुई इस पे हम तो कुछ नहीं कह रहे, जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है वो उम्मीदवार वो प्रत्याशी कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए सबूतों के साथ, लेकिन जनादेश चोरी की आदत और फितरत नीतीश जी ने छोड़ी नहीं और जनादेश का पान करने का फितरत उन्होंने छोड़ा नहीं। 2015 में किसके साथ चुनाव मिलकर के लड़े, लालू जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको बनाया उन्हीं को ठग लिया। नरेंद्र मोदी जी का पतन किसका खींचा था, एनडीए को क्यों छोड़े थे नीतीश जी, हम लोग के साथ क्यों आए। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगाया है। अब हमको सही सही हम ज्यादा बेकार की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। कुछ लोग तो दिन रात कामें करते रहते हैं कि कुर्सी कैसे बचा रहे है ना, तीसरा नंबर का पार्टी, जुगाड़ पार्टी। हम लोगों का वो काम नहीं, हम लोगों का काम है कि यहाँ जितने व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जनता की आवाज को मजबूत कैसे करें, आपकी आवाज को हम बुलंद कैसे करें, आपके परेशानियों को हम दूर कैसे करें, हम इसलिए यहाँ। अब आप बताइए, यहाँ 15 साल से विधायक किसका है, कौन से पार्टी का है, एमपी कौन से किसका है, एनडीए का, एनडीए का विधायक, एनडीए का एमपी, बिहार सरकार किसका है, नीतीश कुमार, एनडीए का, केंद्र सरकार किसका है। अब आप ये बताइए, बेरोजगारी घटी या बढ़ी, घटी, अपराध बढ़ा या घटा,
दोषी कौन? एनडीए। कौन है दोषी? मंसूर चाचा। और आजकल होता क्या है कि सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। अब कल यहाँ भाई चोर दरवाजे वाले मुख्यमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे कि भाई हम तो काम करते रहते हैं, हम बेकार की बात करते नहीं, काम करते रहते हैं। अरे भाई कुछ पहले कुछ था, जरा याद दिला दीजिएगा कि ब्लॉक लालू जी ने बनवाया था जितना। हाँ इसको जितना बोलिए कि महंगाई नहीं था, थाना ब्लॉक में घुसखोरी नहीं था, अफसर सही नहीं था, जनता का सुनवाई था। थोड़ा याद दिलवाइएगा, इतने बेकार नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, पहले पलायन इतना नहीं था। अरे भाई क्या काम किया आपके हिस्सा? पिछला चुनाव में हमने क्या कहा था यहाँ? देखिए हम जात पात वाला बात अब छोड़िए, पुराना हो गया, लेकिन जो सही बात है विकास वाला वो हम करने आए। विकास वाला आप लोगों ने सब स्वीकार किया सर कि भाई तारापुर से लेके बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार से लेके सांसद ऊपर से नीचे सब एनडीए का, लेकिन बेकारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अपराध है, अफसर सही है। हमने पिछले चुनाव में ये कहा था कि बिहार की जनता अगर हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो अगर मेरा पहला कलम चलेगा, पहले कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हमने ये भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको देने का काम करेंगे। yes, sir. आप लोगों को पता नहीं नीतीश जी के शासन काल में 70 से भी ज्यादा घोटाला हो गया, मालूम है। अब हम नहीं बताएंगे, हमको बताना कि आप लोग सब जानते हैं। मान लीजिए कि बड़ा काम कर रहे हैं, 7 निश्चय योजना है भाई, 7 निश्चय योजना का एक योजना हम चुनते हैं, वो योजना क्या है? हर घर नल से जल। अब बताइए वो सक्सेस है? कितना सक्सेस हो रहा है? खाली लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कार्रवाई किसी पे हो रही है? सजा किसी पे नहीं है? दोषी क्यों? दोषी कौन होगा? अफसर लोग। अब आप बताइए, नीतीश जी कहते हैं कि हमने जो है शराब बंदी की है, देखो हमने तो शराब बंद कर दिया। अब अगर ईमानदारी से अगर हम बोले आपकी बात तो होम डिलीवरी हो रहा है, सरकारी कर्मचारी लोग हैं यहाँ पर, सरकारी कर्मचारी सिपाही जी लोग होंगे, सब लोग होंगे, इन लोगों के लिए ऑर्डर निकल जाए कि 50 साल के बाद रिटायर कर दिया जाए। अब बताओ बोलता है यहाँ भी होम डिलीवरी हो जाए? नियम एक तो नौकरी नहीं दे रहे हो, आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे रहे, और जो पहले से है उसका भगाने में लगे। महंगाई तो सबके लिए है कि नहीं? क्या कहते कई लोग, महंगाई खाई जात है, क्या महंगाई डाइन खाई जात है, मतलब डाइन लोग। पहले मोदी जी को और नीतीश जी को महंगाई डाइन नजर आती थी, और अब जो है महंगाई महबूबा और भगवान। किराया में उधार पे मोटरसाइकिल किना ऐसे तो मिले ना जाता, एक से एक स्कीम आता भाई, है कि नहीं? यस यस। अब जो ना मोटरसाइकिल खरीदे अब तो साइकिल क्या लगे? अरे कितना रुपया डीजल हो गया जरा बताइए, आज तक इतना महंगा हुआ जब तक पैदा हुए?
दोषी कौन? एनडीए। जवाब आपके पास, हमको बस याद दिला बात है ना, डबल इंजन का सरकार ने बड़ा बड़ा सब इंजन पी जाए। बताओ, एक 31 साल 32 साल उम्र हुआ मेरा, 32 साल पूरा बिहार का कैबिनेट का मंत्री का जमावड़ा लगा दिया, पूरा भाजपा आ गया, पूरा प्रशासन लग रहा है, पूरा भारत सरकार लग रहा है, कहे इतना घबरा रहे भाई, बिहार का काम छोड़ करके कहे आए, इतना ही काम किया तो आप निश्चित घर पे बैठे होते। इसको तोड़ो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यही सब गिनती हो रहा है। यस, वो पंचायत कहूँ बूथ में एकरा पकड़ोगे, एकरा के जोड़ना जैसे तैसे कैसे जोड़ लेना। अब चुनाव खत्म होगा, क्षेत्र से विलुप्त मतलब समझे, एकदम चुटकी बजाते ही गायब। अरे हम तो झूठा वादा नहीं करते, जब हमने बोला था 10 लाख रोजगार देंगे तो अभी भी 5.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है। 5.5 लाख कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर का, नर्स का, लेकिन देंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन देंगे ना, पुलिस में, पहले आजकल क्या होता, परीक्षा देते हो क्वेश्चन फेल, धांधली होता, एक परीक्षा क्वेश्चन फेल हो जाता, एग्जाम में कैंसिल आ जाता, रिजल्ट आता जो पास हुआ उसका नहीं क्लियर करता है, 5 साल बाद एग्जाम दिया ही नहीं, सामने की अभी को पास कर दिया। साउथ की हीरोइन है अनुपमा, उसको तो पता भी नहीं होगा एसटीईटी क्या है, उसको भी पास कर दिया। कौन लोग हैं सर? भारी खेला हो रहा है, पैसों का पूरा खेला कर रहा है सर, आपका अधिकार छीन रहा है। और आप ये बताइए, दूसरी बात हम बोलना चाहेंगे, बोलिए बोलिए सर, कि यहाँ विधायक जी थे, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, परिवार के प्रति संवेदना है, करोड़ा काल में देहांत हुआ, ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है ना, उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि विधायक जी का निधन हो गया, तो जगह को भरना है, लेकिन विधायक जी का इलाज नहीं हुआ, अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, विधायक जी को ऑक्सीजन नहीं मिला, विधायक जी फोन करते रह गए, अधिकारी फोन नहीं उठाए, अगर सही समय पर विधायक जी का फोन उठ गया होता, अस्पताल में भर्ती हो गए होते, ऑक्सीजन मिल गया होता, दवा मिल गया होता, उपचार हो गया होता, तो विधायक जी की जान बच सकती। सरकार का तो भाई नीति आयोग की रिपोर्ट में जो केंद्र सरकार का रिपोर्ट बनता है उसमें बिहार सबसे अंतिम लास्ट नंबर है, चिकित्सा के मामले में, अस्पताल के मामले में, डॉक्टर के मामले में, इलाज के मामले में। अब आप बताइए, जो मुख्यमंत्री जिसी पार्टी के आते उन्हीं के पार्टी का विधायक है, जिनको वो शिक्षा मंत्री भी बनाए थे, फिर क्यों हटाए हमको नहीं पता। ठीक है, जो मुख्यमंत्री अपने विधायक का जान नहीं बचा पाया, वो बिहार की जनता या तारापुर की जनता या टेटिया बंबर की जनता का जान क्या बचा पाए? चुनाव इसलिए हो रहा, चुनाव हो सकता था अगर सही बिहार में अस्पताल होता, इलाज होता, तो शायद ये उपचुनाव नहीं होता। अब हम लोगों ने देखिए प्रत्याशी दिया है अरुण शाह जी को, हम नीतीश कुमार जी आएंगे, क्या बोलेंगे भाषण, डराएंगे, समझ चाहिए, वही दिन देखना चाहते हैं। अरे एक दो वर्षों को हम जीत जाएंगे तो तुम अपने ही सरकार पे ना प्रश्न कर ले, सरकार में कौन है, केंद्र एमपी से लेके सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में। सही मायने में अगर जंगल राज बोला जाएगा तो आज है, यस सर, उम्मीदवार को टिकट मिला है
उन्होंने अपने एफिडेविट पे, हम नहीं बोल रहे उनका एफिडेविट का बात, हम बोल रहे हम किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते, हम तो भाई नियम करने वाला आदमी। उन्होंने एफिडेविट पे दिया है कि उनपे 100 से भी ज्यादा मुकदमा है, बम बनाने का भी मुकदमा। हमारे उम्मीदवार पे कितना मुकदमा है बताइए सर, एक मिनट। तो हम कैसे कैसे भाई क्यों आकर के किसके नाम पे डरवा रहे, डर जान बूझ के एक साइकोलॉजिकल खेलते आप लोग के मानसिकता के साथ डराया जाता है। बताइए कितना साल तो नीतीश जी लालू जी का चेहरा ही ना बन के रहे थे, बताते उसमें तो वो भी थे जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, कितने लोग थे मंत्री थे ये बताने की जरूरत है, खाली बेकार की बात। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, सीएजी के रिपोर्ट में बोला गया कि बिहार सरकार के खजाने से 2,00,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन खर्च का हिस्सा भी नहीं पता, वो खुद खा गया। आप समझ रहे हैं, 2,00,000 करोड़ रुपया किसका पैसा था, जनता का, आप सबका पैसा था, आप पे खर्च होना था, और नीतीश जी 2,00,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे। जरा आएंगे तो जरा पूछिए, कुर्ता में घुसा लिया 2,00,000 बढ़िया। सीएजी रिपोर्ट बोलिए, नीति आयोग का रिपोर्ट, बिहार सबसे राज्य क्यों है, इतना ही बढ़िया मुख्यमंत्री आप हैं तो हमारा बिहार पूरे देश में सबसे लास्ट में क्यों है, इसका जवाब और वो भी 15 हम नहीं कहना चाहते, लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें, हमको आपकी भी चिंता है और आपके आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है, लेकिन अगर इन बेईमानों के हाथ में अगर शासन रहेगा तो जो 15 साल से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रहा, जिसका एमपी एमएलए से लेके भारत सरकार डबल इनकम की बात करने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं डबल महंगाई कि अगर वो लोग तभी भी 15 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आगे 5 साल में मौका दीजिएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। बात समझ लीजिए, और ये बात जब हम कह रहे हैं तो हर समाज के लोगों को बोल रहे हैं, हर लोगों को बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, और चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं किसी को हम अपमानित नहीं होने देंगे, डरने नहीं देंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। अरे भाई नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, विकास के नाम पे आप लोग वोट दीजिए, बचिएगा मत। लोग आएगा कान फूकेगा, लोग तो आएगा भी कुछ कुछ बांटता ही ना रहता है, हाँ सर चलता रहेगा, चॉकलेट कोई चॉकलेट है ये थम्सअप है कुछ कम नहीं किया ही है कि नहीं, यस सर। लेकिन हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे, चुपचाप आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, एक एक नजर रखे होंगे, भड़का देखो एक दिन पहले जान मुझ से चला गया, भड़का झूठ बोल रहा है ना बोलेगा भाई। अब हम क्या बोलें, तीसरा नंबर के पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो गया देश में कहीं देखे हैं? कब अब नहीं बोलना है सर, कभी इधर कभी उधर, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा, लोकल ट्रेन है कि भाई इन्होंने तो भाजपा को भी धोखा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाली खींचे, हमको धोखा दिया सबको, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सब लोग होशियार हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ने ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना बिहार को विशेष राज्य का पैकेज, जब लालू जी जयप्रकाश जी केंद्र में मंत्री थे, यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ लालू जी रेल मंत्री थे,
तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी से कहलवा करके बिहार को 1,54,000 करोड़ का पैकेज दिलवाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, रेलवे बिक गया, सेल बिक गया, देश की संपत्ति बिक रही है, LIC बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, जो बच्चल कुचल है वो लाइन में है। तो भाई समझ आइए, ये लोग गरीब का पार्टी नहीं है, गरीब का नेता नहीं, गरीब का अगर पार्टी है, गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल, मजदूर का बल राष्ट्रीय जनता दल, किसान का बल राष्ट्रीय जनता दल, नौजवानों का बल राष्ट्रीय जनता दल, और गरीब का कोई नेता लालू प्रसाद यादव। इसलिए आज कई अलग अलग दलों से हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं PN सिंह जी और उनके सभी साथी का हम स्वागत करते हैं, उनके स्वागत करते हैं। साथ में VIP पार्टी से गौतम बिंद जी ने ज्वाइन किया और VIP पार्टी के सुभाष बिंद जी, मुकेश बिंद जी, नीतीश बिंद जी, सीधू बिंद जी, पवन बिंद जी और महेश प्रदीप जी समेत सभी जो लोग हैं पार्टी में शामिल हुए हैं। तो हम सभी लोगों को इधर आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए, सब लोग आगे सब लोग। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आगे भी करेंगे, तो आप लोग आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए तो हाथ उठा करके आप लोग बोलिए तब हम विजय कमाया और उन साथी को पहनाएंगे। पहुंचे हुए जी के नंबर नहीं।